नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश से आ रहा हूँ। आज अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद केके पे आप लोगों को जीके जीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। कहाँ हुई थी? बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो स्वामी दयानंद। नमस्कार दोस्तों, मैं इंग्लिश से हूँ। आज अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद केके पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। तो आइए दोस्तों, हम आज आप लोगों को जीके जीएस यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताते हैं, जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन जाता है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कहाँ हुई थी? बोधगया में। कहाँ हुई थी? बोधगया में। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। किसने किया था? स्वामी दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जो पंजाबी भाषा बोली जाती है उसकी लिपि कौन है? तो कौन लिपि है? गुरमुखी है। क्वेश्चन अगला हमारा है, किस बृहत मंदिर की आरंभिक कल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था? तो वो कौन सा मंदिर था जो सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में उसका आरंभ हुआ था? तो अंकुरवाट का मंदिर। अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो असम का है। किस राज्य का है? असम का है। अगला क्वेश्चन हमारा है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। किस देश में? चीन में हुआ। अगला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ का। क्या था? सिद्धार्थ। क्वेश्चन अगला हमारा है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रंगून में, म्यांमार में, रंगून। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आठ बार। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? आठ बार। अगला क्वेश्चन है, नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1739 में। कब किया था? 1739 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिवाजी के समय कितना राजस्व वसूला जाता था? मतलब कितने प्रतिशत राजस्व कर वसूला जाता था? तो भू राजस्व यानी कि 33%। कितने प्रतिशत? 33%। अगला क्वेश्चन है, आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा की जामा जो मस्जिद थी उसका निर्माण किसने करवाया? तो उत्तर हमारा जाएगा, जहां आरा बेगम ने। आगरा की जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण कौन कराया? जहां आरा बेगम ने। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा था? कौन लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। कौन लिखा था? गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन हमारा है, गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु नानक का जीवन परिचय किस सिख गुरु ने लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। कौन लिखा? गुरु अर्जुन देव ने। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासन काल में बंगाल का नवाब कौन था? जब औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। कौन था? मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 12 अप्रैल 1680 में। क्वेश्चन 17वां है, औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कब करवाया था? औरंगजेब ने बीबी का मकबरा जो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था उसका निर्माण कब करवाया वो? तो 1679 ईस्वी में। 79। अगला क्वेश्चन है, सामोगढ़ का युद्ध कब हुआ था? सोलह सौ अट्ठावन में।
क्वेश्चन नंबर 19, हैदर अली मैसूर के शासक कब बना? हैदर अली मैसूर का शासक कब बना? 1761 में हैदर अली को मैसूर का शासक कब बना? तो 1761 में। क्वेश्चन अगला है, नादिर शाह कहाँ का शासक था? नादिर शाह कहाँ का शासक था? ईरान का। कहाँ का? ईरान का। क्वेश्चन अगला हमारा जाएगा, माधव राव नारायण पेशवा कब बने? माधव राव नारायण पेशवा कब बने? तो उत्तर जाएगा 1761 में। कब बने? 1761 में। क्वेश्चन अगला है, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव कब डाली? खालसा पंथ की, गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की नींव डाली? खालसा पंथ की। कब डाली? 1699 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस गुरु ने विद्रोह मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? किस गुरु ने विद्रोही मुगल राजकुमार की सहायता धन व मन से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन अगला है, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो उत्तर जाएगा मोहम्मद शाह के समय। किसके समय? मोहम्मद शाह के समय। अगला क्वेश्चन है, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? फर्रुख सियर। क्वेश्चन अगला हमारा है, फर्रुख सियर किसके सहयोग से मुगल शाह बना? सैयद बंधु के सहयोग से। किसके? सैयद बंधु के सहयोग से। क्वेश्चन अगला है, भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? कौन से ईरान शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो नादिर शाह को। इसको? नादिर शाह को। क्वेश्चन अगला है, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? कौन सा ऐसा राज्य था जहाँ के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के शासक। अवध के शासकों को क्या कहा जाता था? नवाब वजीर। अगला क्वेश्चन है, आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? आदि ग्रंथ का समायोजन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन लगना है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्वेश्चन अगला है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? जो मनुष्य है उसके शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो उत्तर ऑक्सीजन। कौन सा? ऑक्सीजन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? कौन मतलब शरीर का ऐसा कौन सा ऊतक है जो सुरक्षा कवच का कार्य करता है? तो कौन है? एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक। अगला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? डेवी ने। किसने? डेवी ने। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? बाघ। बाघ की जो दहाड़ होती है उसमें तीव्रता की ध्वनि सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग नहीं दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण लगता है तो उस टाइम सूर्य का कौन सा ऐसा भाग है जो दिखाई नहीं देता है? तो कौन है? किरीट। वो भाग कौन सा है? किरीट। अगला क्वेश्चन है, टाइपराइटर यानी टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर मशीन के आविष्कारक कौन है? तो उत्तर मारा जाएगा सोल्स। कौन है? सोल्स है। अगला क्वेश्चन, सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहते हैं? तो उत्तर जाएगा एसीटम। क्या कहते हैं? एसीटम। अगला क्वेश्चन है, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जो कपड़े पे जंग लग जाता है, जंग के धब्बे लग जाते हैं, उसको हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो उत्तर जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल का। किसका? ऑक्सैलिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? जो गन्ना होता है उसमें
लाल सड़न जो हो जाता है तो वो किसके कारण होता है? कवकों के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम क्या है? आम का वनस्पतिक नाम क्या है? तो उत्तर जाएगा मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका आम का क्या है? वनस्पतिक नाम है। कॉफी पाउडर के साथ, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। किससे प्राप्त होता है? जड़ों से। क्वेश्चन अगला है सूर्य, क्वेश्चन अगला हमारा जाएगा सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? तो जापान को। क्वेश्चन अगला है, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्वेश्चन अगला हमारा जाएगा, रिक्शा सबसे पहले किस देश में चली थी? रिक्शा जो है, जिस 3 पहिए वाला रिक्शा जो होता है, जिसपे यात्रियों को बिठा के ले जाया जाता है, वो सबसे पहले किस देश में चली? तो उत्तर हमारा जाएगा किस देश में? जापान में। अगला क्वेश्चन है, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? जहाँ पे खेल क्रिकेट या कोई भी खेल खेला जाता है, वो अधिकतर क्रिकेट खेल के लिए वानखेड़े स्टेडियम प्रसिद्ध है, वो कहाँ है? मुंबई में है। क्वेश्चन अगला है, कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? कर्नाटक का रत्न किसे कहा जाता है? मैसूर को। किसको? मैसूर को। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह कौन सा प्रथम सुल्तान था? वह कौन सा प्रथम सुल्तान था जिसने इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन देना प्रारंभ किया? इक्ता के बदले सिपाहियों को वेतन यानी पैसा देना प्रारंभ कर दिया, तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी। क्वेश्चन अगला है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों ही किसमें विश्वास करते थे? तो उत्तर हमारा जाएगा कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। क्वेश्चन अगला, छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक वाला पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? तो बनारस का। कहाँ का निवासी था? पंडित गंगा भट्ट कहाँ का निवासी था? बनारस का। क्वेश्चन अगला है, लाल कुंवर का नाम वैश्य वैश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? लाल कुंवर नाम की वैश्या किस मुगल शासक के राजकाज में अति प्रभावशाली थी? बहादुर शाह की। क्वेश्चन अगला है, किस सिख गुरु पर खुसरो को जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में सहायता करने का आरोप लगाया गया था? गुरु अर्जुन देव के। क्वेश्चन अगला हमारा है, पतंजलि द्वारा लिखा गया महाभाष्य यानी महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया? पतंजलि के द्वारा। निम्नलिखित में से किस पुस्तक पर लिखी गई टीका है? तो किस पर है? अष्टाध्यायी पर। क्वेश्चन अगला हमारा जाएगा, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस मंत्रालय की ओर से दिया जाता है? जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। क्वेश्चन अगला है, समुद्र के जल में लवण की औसत मात्रा क्या होती है? जो समुद्र का जल होता है उसमें लवण की औसत मात्रा क्या होती है? 3.5%, 3.5%। क्वेश्चन अगला है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया? लैंड स्टीनर ने। किसने किया था? लैंड स्टीनर ने। क्वेश्चन अगला हमारा जाएगा, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? जो कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? तो रेडन गैस का। किसका? रेडन गैस का। कैंसर के उपचार के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? रेडन गैस का। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।